आप खबर जुलाना से है, जहां पर दुकानदार से 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। दुकानदार और परिवार में डर का माहौल बन गया है। जुलाना के पुराने बस स्टैंड पर दुकानदार से मांगी गई है फिरौती। फिरौती मांगने वाले दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। देखिए, ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो है वो आ गई है सामने। दुकानदार ने पुलिस को इसकी शिकायत दी तो पुलिस भी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। जुलाना का यह मामला है जहां पर दुकानदार से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। दुकानदार और परिवार में इसके बाद डर का माहौल बना हुआ है। 2 करोड़ जैसी बड़ी रकम मांगी गई है। जुलाना के पुराने बस स्टैंड पर दुकानदार से ये फिरौती मांगी गई और जब इसकी शिकायत दुकानदार ने पुलिस को दी और सीसीटीवी जो फुटेज है वो जब निकाले गए तो साफ तौर पर देखा जा सकता था कि इस तरह से 3 से 4 की संख्या में ये लोग आते हैं और फिरौती मांग रहे हैं। अब दुकानदार ने पुलिस में इसकी शिकायत तो दे दी है, वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन कितनी जल्दी इसमें कोई खुलासा हो पाता है या गिरफ्तारी हो पाती है ये देखना होगा। ये एक शिकायत हमारे को प्राप्त हुई है कि इसमें 5-6 नौजवान युवक एक मिठाई की दुकान पे आए थे और वहाँ पे 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने बारे धमकी दी गई है, जिसमें हमने मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें कोई सीसीटीवी फुटेज? हाँ, इसमें जो कैमरे लगे हुए हैं सीसीटीवी की फुटेज हमने प्राप्त की है और उस आधार पे आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी संजय कौशिक मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, कितनी संख्या में सबसे पहले बताइए ये लोग आए थे जो फिरौती की मांग कर रहे थे और क्या कुछ पता चल पाया है इनके बारे में? क्या कहना है दुकानदार का? संजय, आवाज मिल पा रही है आपको? अब देखिए, संपर्क टूट गया है। खबर आपको बता दें एक बार फिर से, जुलाना का ये मामला है, दुकानदार और परिवार में डर का माहौल है। इस वारदात के होने के बाद से ही जुलाना के पुराने बस स्टैंड पर दुकानदार से ये फिरौती मांगी गई है। फिरौती मांगने वाले दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए हैं और शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। 2 करोड़ रुपए की देखिए फिरौती मांगी गई है, पूरे 2 करोड़ रुपए की यह फिरौती, जिसके बाद दुकानदार और परिवार वाले, दुकानदार के परिवार वाले परेशान हैं, पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं।